सोलन शहर में लगातार बढ़ते वाहनों से सड़कें छोटी होती जा रही हैं, लेकिन इनके विस्तारीकरण के लिए कोई गुंजाइश न होने के चलते दिन भर जाम लगा रहता है। केवल पुराने उपायुक्त चौक पर सड़क को चौड़ा करने की गुंजाइश है, जिसके लिए प्रशासन प्रयासरत है। चौक से बिजली के खंभों को हटाने का कार्य किया जा रहा है। इसका जायजा पुलिस अधीक्षक मोहित चावला, SDM संदीप नेगी तथा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने लिया। शहर के बीचों बीच बने पुराने उपायुक्त कार्यालय की सड़क किनारे वाली दीवार तोड़कर चौक को खुला किया जा रहा है, जिसके चलते चौक पर लगने वाले जाम से कुछ निजात मिल सकेगी। इसी चौक से एक सड़क शहर के बीचों बीच गुजरती है, तो वहीं राजगढ़ जाने वाले वाहन भी इसी चौक से गुजरते हैं, जिस कारण यहां अक्सर वाहनों का जमावड़ा लगा रहता है। गौरतलब है कि शहर के सबसे विकराल समस्या दुकानदारों द्वारा सड़क किनारे पैदल मार्ग पर कब्जा करके अपना सामान लगा दिया जाता है, जिससे लोगों को पैदल चलने में भारी कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं, जबकि उसी सड़क से वाहन भी गुजरते हैं, जिससे हर समय दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। लेकिन दुकानदारों की दादागिरी के आगे प्रशासन भी बौना दिखाई देता है और आजकल सड़क पर लगने वाले सामान को दुकानों के अंदर करवाने में असमर्थ दिखाई देता है और आज तक सड़क पर लगने वाले सामान को दुकानों के अंदर करवाने में असमर्थ दिखाई दिया है। पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने कहा कि चौक को खुला करने का कार्य किया जा रहा है, जिससे कुछ असुविधा जरूर हो सकती है, लेकिन इसके बाद शहर में वाहन सुचारू रूप से गुजर सकेंगे। सोलन शहर की ट्रैफिक व्यवस्था ठीक रहे, इसके लिए सोलन पुलिस कमिटेड है और हम समय समय पर नए एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। जो ओल्ड DC ऑफिस चौक है, ये सबसे बड़ा बॉटलनेक रहा है आज तक, बिकॉज यहाँ पे ट्राइफर्केशन रहता है मॉल रोड, सकून रोड और राजगढ़ रोड का। तो हमने प्रयास किया है कि क्योंकि अब नए ऑफिसेज नीचे शिफ्ट कर दिए गए हैं, तो इसको डिसमेंटल कर और राउंड अबाउट को प्रॉपर इंजीनियरिंग के साथ डिजाइन किया जाए, ताकि लोगों को, शहर के सिटीजन्स को थोड़ा सा ट्रैफिक से राहत मिले। वी आर कमिटेड और पूरे प्रयास ये रह रहे हैं कि कम से कम इनकन्वीनियंस हो जनता को, और इसमें जो भी सुझाव रहेंगे ट्रैफिक की व्यवस्था को ठीक करने के लिए सोलन पुलिस इस पे काम करेगी। धन्यवाद। अब देखना ये होगा कि इससे कितना ट्रैफिक सुचारू हो सकेगा और क्या प्रशासन दुकानदारों पर सख्ती करके अवैध रूप से रखे सामान को दुकानों के अंदर करवाने में सफल होगा या स्थिति यूं ही बनी रहेगी।